आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनते ही हमारे रहनुमाइयों ने कौम फौरन इस दारे फानी से कूच कर गए। उन्हें ज्यादा मौका ना मिला जो पौधा लगाया था उसकी गोडी कर सके, उसको गजा फराहम करें और उसको तनावर दरख्त बनता हुआ देख सके, उसका फल खा सके। फिर मंजिल उन्हें मिली जो शरीक के सफर न थे। फिर गिद्धे आ गए जो इस वतन को नोचने लगे और 70 साल से इस मुल्क को नोचा जा रहा है। एक तो उस नजरिए पे काम नहीं किया गया जिस नजरिए ने हमें कौम बनाना। हमारे देहातों में आज भी चौधरी और कम्मी की तकसीम मौजूद है और हमारे शहरों में आज भी सरमायादार और गरीब के दरमियान फर्क है। आज भी गोरे और काले की तकसीम यहां पाई जाती है। इस्लाम तो इसे खत्म करने आया था, इस्लाम तो इसे मिटाने आया था। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा हजरत बिलाल को जो है वो काली माँ का बेटा कह दिया था। अल्लाह अकबर, तो वो रोते हुए हुजूर के पास आए, कहा जब से इस्लाम लाया हूं कभी इतना दुखी नहीं हुआ। मैंने कोड़े खाए हैं, ज़र्बें सही हैं, मैंने तपती हुई रेतों के ऊपर अपने आप को मशके सतम होते देखा और जुल्म सहे हैं, लेकिन कभी दुखी नहीं हुआ, आज दुखी हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अबू ज़र ने मुझे काले होने का ताना दिया, काली माँ का बेटा कहा। तो मेरे रसूल ने फरमाया जाओ अबू ज़र को कहो कि जिन ख़वातीन का मैं दूध पिया है उनमें से एक उम्मे ऐमन का रंग सांवला था। तो कहा जाके ये ताना अबू ज़र को कहो कि अपने नबी को भी दे। हजरत बिलाल जाते हैं और कहा हुजूर का पैगाम है कि मैंने उम्मे ऐमन का दूध पिया है, तो जो ताना मुझे दिया है हुजूर कह रहे हैं मुझे भी आके। अल्लाह अकबर। अब वो अबू ज़र बिलाल हबशी के आगे हाथ जोड़ रहे कि बिलाल तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम का दिया हुआ फैजान था। हम गुरोहों में बट गए, हम फिरकों में बट गए, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दरसे अखुवत आका हमसे भूल हुई, बन गए सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई, दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। हमसे भूल हो गई और हमने कौम बनना था, दुनिया के सामने इस्लाम का एक रोशन नक्शा पेश करना था, इस वतन को तजुर्बा गाह बनाना था इस्लाम की और दुनिया को बताना था कि ये इस्लाम का रूप है। लेकिन हम एक हुजूम बन के रह गए, हुजूम भी बेहंगम आवारा, हम एक कौम ना बन सके, एक जस्ते वाहद ना बन सके, हम इस्लाम के उस नजरिए का अमली नमूना ना बन सके। हजारों लाखों लोगों ने जिस वतन को हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी थी, लोगों ने घर बार छोड़े थे, कोई इतना आसान काम नहीं था वतन छोड़ के आना, लेकिन बदकिस्मती से आज हम जहां खड़े हैं जो हमारी हालत है, बन गए दिन के नशेमन के कफस की तीलियां, बन गया क्या चले थे हम क्या बना। 23 मार्च तजदीदे अहद का दिन है, आज हम अहद करें कि हम नए आहंग से, नए इरादे से, नए बागपन से कौम साजी का अमल करेंगे और अपने वजूद को कौम के वजूद में गुम करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक फर्द बन के जिएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं तन्हा बैठ के इन चंद हजार लोगों के अंदर ये बात अगर करूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हालात तो दिगरगू हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है,
اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اس جگنو کی طرح جو اندھیرا چھا جائے تو اپنی پیٹ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے. اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں, لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے, اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. تو دوستو, اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ.